क्या अभी बस एचटीएमएल सीएसएस का स्किल है और आप सोच रहे हैं कि इसके साथ में क्या कर सकता हूँ, क्या मैं इसके साथ फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ, इससे क्या ही काम किए जा सकते हैं? आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि एचटीएमएल और सीएसएस के स्किल के साथ क्या क्या सर्विसेज आप ऑफर कर सकते हैं, बिल्कुल आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं सिर्फ इसी स्किल के साथ स्टार्ट करते हुए भी, और कैसे करना है क्या करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी सारा कुछ। और इससे पहले ये सब बताने के लिए आपने क्या करना है वो आप जानते हैं, सब्सक्राइब करें, रिंग नोटिफिकेशन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा आज लॉन्च का ग्रुप ज्वाइन करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें, ठीक है? ओके गाइस, सो अगर आपके पास एचटीएमएल और सीएसएस का स्किल है जो कि बिल्कुल एक बेसिक सा स्किल है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये दोनों के फुल फॉर्म्स हैं, और क्या इस्तेमाल होते हैं स्लाइसिंग में, इमेजेस को अलग अलग एलिमेंट्स को अलग करने में एक इस्तेमाल होता है, दूसरा कलर्स को थीम कलर देने के लिए, थोड़ा सा अफेक्ट देने के लिए CSS स्टाइलिंग उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, HTML स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सो दोनों बिल्कुल बेसिक स्किल हैं, लेकिन इन बेसिक स्किल्स के साथ भी आप अर्निंग कर सकते हैं, आप स्टार्ट ले सकते हैं अलोंग द वे, बेशक आप इम्प्रूव कर लेना, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। और सबसे पहले तो कौन से ऐसे, आपको हौसला चाहिए ना, तो मैं आपको सबसे पहले यही बताती हूँ कि कौन से ऐसे काम हैं जो फाइवर पे, अपवर्क पे, फ्रीलांसर पे, गुरु पे, टॉप टॉयल पे, आप डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक कम्युनिटीज में एज अ फ्रीलांसर दे सकते हैं अगर आपके पास एचटीएमएल और सीएसएस का स्किल है। नंबर वन तो पीएचडी टू एचटीएमएल कन्वर्जन कर सकते हैं आप। नंबर टू आप लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, सेल्स पेजेस बना सकते हैं, बहुत डिमांड है दुनिया में, हर वक्त पता नहीं कितने हजारों लाखों लैंडिंग पेजेस बन रहे हैं। स्टैटिक मेन्यूज बना सकते हैं रेस्टोरेंट के लिए, उनके मेन्यूज को पूरे ऑनलाइन शिफ्ट कर दिए। बिल्डिंग मल्टी पेज चैटिंग वेबसाइट्स फ्रॉम स्क्रैच, जैसे कोई ऑनलाइन रेज्यूमे है, पोर्टफोलियो किसी का बनाना है, किसी की इंफॉर्मेशनल वेबसाइट बनानी है, पीएचडी फाइल्स को एचटीएमएल सीएसएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ईमेल टेम्पलेट्स बना सकते हैं, मेलचिंप के, हबस्पॉट के बहुत हाई डिमांड है और इसके अंदर बहुत ज्यादा अर्निंग भी की जा सकती है ईमेल टेम्पलेट्स के। एंड वर्डप्रेस और स्क्वायरस्पेस, इनको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अगर आपको एचटीएमएल सीएसएस आता है, तो जो साइट वर्डप्रेस में बनी है या स्क्वायरस्पेस में उनकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। सो ये कितने सारे काम है जो एचटीएमएल सीएसएस वाले लोग कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी मत सोचेंगे अभी मेरे पास कोई स्किल नहीं है तो मैं पैसे कैसे कमाऊं, आपने स्टार्ट लेना है, ठीक है? अब स्टार्ट कैसे लेना है, सबसे पहले तो आपने पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, हमारे पास कोई क्लाइंट नहीं है, हम कैसे पोर्टफोलियो बनाएं, सिंपल लंबी बात में नहीं जाती, सिंपल आपको सोल्यूशन देती हूँ। आपने क्या करना है, जो ऊपर 7-8 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन सब का एक एक बना के रखें, एक पीएचडी टू एचटीएमएल कन्वर्जन करें, एक लैंडिंग पेज बनाएं अपनी तरफ से, बेशक अपनी सर्विसेज का बना लें, बेशक किसी डमी क्लाइंट का बना लें, अपने फ्रेंड्स या फैमिली में अम्मा के बिजनेस के लिए, अब्बा के बिजनेस के लिए, खाला के, चाचू की, पुप्पी के, मामा के, ताया के, किसी के बिजनेस के लिए उसको बना के दे दें, वो भी आपसे खुश हो जाएगा। क्या आपका खुश हो गया कि आपको 5,000 रुपए ही दे दें? तो फैमिली में किसी के लिए बना लें, अपने आगे पीछे रेस्टोरेंट्स के पास जाएं, उनको कहें मैं आपको स्टैटिक मेन्यू फ्री में बना के देता हूँ, अगर आपको पसंद आया तो फ्यूचर में हम साथ में काम कर लेंगे, तब तक आप वर्डप्रेस भी सीख लेना, जब स्टैटिक मेन्यू बन जाएगा उनको पसंद आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम आप उनको अपना वर्डप्रेस का क्लाइंट बना लेना। सो कैन बी कैन डू एनीथिंग, ये जो सारी 7-8 चीजें मैंने बताई हैं इनको इस्तेमाल करें, इनको लर्न करें, यूट्यूब पे बेतहाशा ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, हमसे सीखना चाहें तो हमारे पास फिजिकली आके सीखें, ऑनलाइन क्लासेस में इनरोल करके सीखें, लेकिन सीखें और ये काम करें, इनका एक अपना पूरा पोर्टफोलियो बिल्ड करें। फिर जब पोर्टफोलियो बन जाएगा, कहाँ बनाना है, वर्डप्रेस साइट पे बना सकते हैं, बिहांस पे बना सकते हैं, गिटहब पे बना सकते हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ आप अपने पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। फिर आपने करना है अपवर्क और फाइवर पे अपनी प्रेजेंस बिल्ड करनी है। अपवर्क पे कैसे करनी है, उसके लिए कंप्लीट कोर्स आप ये वाला देख सकते हैं, लिंक में आ रहा होगा। फाइवर पे कैसे करनी है, उसके लिए आप दूसरा लिंक देख सकते हैं, फाइवर की अर्निंग का कंप्लीट कोर्स, ठीक है? फिर अपना वेबसाइट बनाएं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया एचटीएमएल सीएसएस आपको आता है, अपना एक छोटा सा बेसिक इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट बनाएं, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 लगा लें, कोई मुश्किल नहीं है उसको लगाना। यूट्यूब पे 6-6 मिनट 5-5 मिनट की वीडियोस में आपको ये सब सिखाया जाता है, लोगों ने फ्री में सिखाया होता है, तो वो करें। अपना एक वर्किंग प्रोसेस बनाएं, जब आपकी वेबसाइट भी बन गई है, आपका पोर्टफोलियो भी बन गया है, आपके अपवर्क फाइवर भी रेडी हो गए, आप एक ना बिजनेस का एक स्ट्रेटजी बनाएं, कहाँ से क्लाइंट आएगा, जब क्लाइंट आएगा क्या 4 चीजें उसको देनी है, क्वेश्चनेयर देना है हर क्लाइंट के लिए, नया सा प्रोसेस ना हो, आप कंफ्यूज हो, भाई उसने तो लोगो मांग लिया है, ये कहाँ से देना है, वो कहाँ से करना है, एनडीए किधर से साइन करना है, ये सब पहले करके रखें, अपना एक बिजनेस प्रोसेस बनाए, एनडीए साइन करना, रिक्वायरमेंट्स लेना, क्लाइंट के साथ स्कोप ऑफ वर्क बनाना, डिलीवरेबल्स की स्प्लिट बनाना, ये सारी चीजें पहले ही टेम्पलेट्स बना के रेडी करके रखें, और फ्यूचर में नीड्स कहाँ से आनी है, फेसबुक पे कैसे प्रमोट कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे क्या कर रहा हूँ, लिंक्डइन पे किस तरह प्रेजेंस बनाएगी अपनी,
इसके लिए आप हमारा सोशल मीडिया का पोस्ट भी देख सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी लर्निंग HTML CSS कोई इनफ स्किल नहीं है टू मेक ट्रेमेंडस अर्निंग इन द वर्ल्ड और समथिंग। एक बेसिक आप स्टार्ट करने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप एक लग्जरी लाइफ में चाहते हैं, अपनी मर्जी का दे देना धन पैसा चापना चाहते हैं, तो अपने स्किल सेट में मजीद चीजें ऐड करें, वर्डप्रेस ऐड करें। वर्डप्रेस बहुत अच्छा स्किल है, वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड CMS इन द वर्ल्ड, मोस्ट वेबसाइट उसके ऊपर बनी होती है। JS सीख लें और कोई मजीद चीज अपने स्किल सेट में ऐड करें ताकि आपकी अर्निंग और प्रोजेक्ट्स का अपॉर्चुनिटी मजीद इंक्रीज हो जाए। कोई सवाल हो तो जरूर खाकसार से पूछें कमेंट्स में। अगर कोई बात पसंद ना आई हो, कोई बात पसंद आई हो, कुछ अच्छा बुरा लगा हो, तो जरूर मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि आप मुझे बताते रहेंगे तभी मैं मजीद आपकी हेल्प कर पाऊंगी। और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके काम आ सकूं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मोहब्बतें बांटें। 0304 111 5786 dankash.com